हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक त्रिभुज में असमीकरण यानी इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसी विषय से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज ABC के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले विकल्प में यदि AB और BC का योग AC के बराबर है तो यह एक रेखा का निर्माण करेंगे, न कि त्रिभुज का, यानी यह विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प के अनुसार कोण B बड़ा है कोण C से, तो कोण B की सम्मुख भुजा कोण C की सम्मुख भुजा से बड़ी होगी, यानी भुजा AC बड़ी होगी भुजा AB से, या कह लें भुजा AB छोटी होगी भुजा AC से, यानी यह विकल्प भी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। यहाँ भुजा BC छोटी है भुजा AC से, यानी भुजा BC का सम्मुख कोण भुजा AC के सम्मुख कोण से छोटा होगा, यानी कोण A छोटा होगा कोण B से, या कह लें कोण B बड़ा होगा कोण A से, यानी यह विकल्प सही है। अब लेते हैं आखिरी विकल्प, भुजा BC छोटी है भुजा AB और भुजा AC के योग से। यही तीनों त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं और किसी भी त्रिभुज की एक भुजा का माप बाकी दोनों भुजाओं के मापों के योग से छोटा होता है, इसलिए यह विकल्प भी सही है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, इसलिए कोण A की सम्मुख भुजा BC बराबर होगी कोण P की सम्मुख भुजा QR से। क्या यह कथन सत्य है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो अलग अलग त्रिभुज हैं। इनके कोण बराबर होने से इनकी भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर ही होंगी, यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर इन त्रिभुजों को देखें तो यहां पर कोण A और कोण P दोनों का ही माप 90 अंश है, लेकिन इनकी सम्मुख भुजाएं यानी भुजा BC और भुजा QR की लंबाइयां एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इस प्रकार की अवधारणा केवल एक ही त्रिभुज के लिए सत्य है, दो अलग अलग त्रिभुजों में नहीं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने एक त्रिभुज में असमीकरण यानी इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।